अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे नहीं, बाद में देखा। क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? अरे पीछे पीछे क्या चली आ रही हो तुम? वो 30 दिन ही है ना? 30 दिन? अब 30 दिन है तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या हमारा जीना मुश्किल कर दोगी तुम? नहीं, ये हमारे बीच जो 36 का आंकड़ा है बस उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार बात करने का मौका मिले तो शायद चीजें सुलझ जाए। अब तुम्हें बता दे, अब ये क्या नया तमाशा है? कहां तो लग जाए ढक से, हां करम जली सती सावित्री बनने चली। अरे पहले तो घूंघट डाल के हमें बेवकूफ बनाया, अब क्या हमारा गला रेतने का इरादा है? रूपा हटाओ ये घूंघट। अरे हटा हटा दिखा। अरे ये हटा देना, हटा। अरे हटा। अनाश, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला था तुझे? जो हमें कंगाल करने पे तुली है, तोड़ दिया। अरे रूपा जी, वो आपका हीरे का पिटारा है ना, उसमें से एक छोटा सा हीरा बेच दीजिए, ये कांच का टुकड़ा आ जाएगा, इसमें कंगाल होने की बात कहाँ से आ गई? इसके नुकसान की भरपाई के लिए हम हमारे हीरे क्यों बेचे? आप बड़ा हीरा लेकर आए है ना? शोपीस के लिए सॉरी, अगर हम घूंघट उठा दिए तो ध्रुव जी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, और तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से हम सबका बीपी बढ़ रहा है, उसका क्या? अरे तो इतनी दिक्कत का है रूपा जी, हिसाब से होना ये चाहिए कि पति पत्नी के बीच में हम तीनों ही कबाब में हड्डी बन रहे हैं, और खास तौर से आप सबसे बड़ी कबाब में हड्डी बन रही है। आपको मेरे हिसाब से अंदर चले जाना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी। हम तो बोलेंगे क्योंकि ये हमारा बेटा है। अच्छा, तो ये बात है? बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये हमारी बहुरानी है, हम आपको बोलने नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं बोलने देंगे? हम बोलेंगे। आज जोड़ते हैं आप सबके सामने, प्लीज। पहले घर में बहुत कलेश हो रहा है, अब और नहीं, प्लीज। ठीक है बेटा, अब और नहीं। वैसे भी ये 30 दिन के लिए ही हमारे घर की बहू है, 30 दिन के लिए। ये 30 नहीं 3 होता है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिसाब में बहुत कमजोर है आप। ये 30 नहीं 30 साल के लिए खूबसूरत शक्ल देखनी पड़ेगी आपको। 30 साल के बाद की बात बाद में, पर अभी इसी वक्त की बात करते हैं। ए लड़की, जाओ जाकर सबके लिए खाना बनाओ, जाओ। खाना? खाना नहीं आता क्या? जी आता है, पर इतने सबके लिए? बिल्कुल सही सुना, सबके लिए खाना बनाना है, जाओ जल्दी। हाँ, वैसे तुम्हारे ससुर को बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर की बहू बनाने का। एक काम करो, अपने ससुर जी को भी अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे खाना बनाने में, करेंगे ना जी? हाँ, काशी को तो सब आता है। 5 नौकर और खाना। सोच क्या रही हो, जाओ। ध्रुव जी, क्या है? आप खाना खाने घर आएंगे ना? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो तुम ऑफिस आ जाओगी और वहां के कलेश करोगे, और वो हमें नहीं चाहिए, तो हम आएंगे, ठीक है? लड़की, खाना बन जाए तो बुला लेना। सुना, बुला लेना। चलिए जी जी। क्या हुआ? मुंह कहाँ लटका लिया?
ओ पापा, हमें ज्यादा अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। वैसे खुद के लिए थोड़ा बहुत बना लेते, लेकिन इतने लोगों के लिए इतना सा बात है तो हमारा नाम भी काशीनाथ पांडे, हमारे पास हर चीज का सोलूशन। देखिए ये देखिए, अभी बताता होटल में फोन करता हूँ और खाना मंगा लेता हूँ और सब बर्तन डाल के कुछ पता भी इन्हें पता नहीं चलेगा, बोलिए हम ही ने बनाया और ये विश्वास कर लेंगे। नहीं नहीं पापा, एक मिनट, अब हम सबका दिल ईमानदारी से जीतना चाहते, सिर्फ बेईमानी से नहीं। आज का खाना हम खुद बनाएंगे। ये हुई ना बात, इसी बात पर हम विद्या रानी पे कुर्बान है। जिया 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 जिया। सामान पहुंचा दो, आप बेफिक्र। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सिस्टी बेटा बोल बेटा, हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं, तुम इसका ख्याल रखना सिस्टी।